गिरजा माँ के प्यारे हैं एक दंती भगवान। गिरजा माँ के प्यारे हैं एक दंती भगवान। जो भी उनका ध्यान धरे उसका हो कल्याण। गिरजा माँ के प्यारे हैं एक दंती भगवान। गिरजा माँ के प्यारे हैं एक दंती भगवान। कथा सुनाते हैं गणपति की, कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं गणपति की, कथा सुनाते हैं। बोलिए गणपति महाराज की जय। भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भी कोई मंगल कार्य किया जाता है तो श्री गणेश भगवान का प्रथम पूजन होता है। इसका कारण यह है, सुने। शिव शंकर भगवान से गौरा जी ने है ये वचन लिया, गजाननन श्री गणपति की जग में होगी पहले पूजा। मंगल कार्य कोई भी हो लेकिन तब ही होंगे पूर्ण, विधि विधान से किया जाएगा जब श्री गणपति का पूजन। फूल पान गंगा जल लेकर नतमस्तक सब आएंगे और मोदक का थाल भी वो सब अपने साथ मिलाएंगे, तब ही मंगल कार्य है जितने वो सारे संपन्न होंगे। लंबोदर के सेवादार सभी तब ही धन धन होंगे। इसीलिए तो होता पहले उनका गुणगान, जो भी उनका ध्यान धरे उसका हो कल्याण। गिरजा माँ के प्यारे हैं एक दंती भगवान। गिरजा माँ के प्यारे हैं एक दंती भगवान। कथा सुनाते हैं गणपति की, कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं गणपति की, कथा सुनाते हैं। बोलिए विघ्न विनाशक जी की जय। भक्तजनों, श्री गणेश का पूजन सिमरन कितना फलदायी है उसका वर्णन करना तो बड़ा ही कठिन है। वो भूमि बड़ी ही पावन है जहां उनकी पूजा होती है। बड़ा ही फलदायी है भक्तों गिरजा नंदन का पूजन, बड़ा ही सुखदायी है भक्तों भाल चंद जी का सिमरन। एक दंती का सिमरन दुख संकट से मुक्त कराता है, विकट विनायक का पूजन जीवन में खुशियां लाता है। लंबोदर के पूजन से सारे कलेश मिट जाते हैं, उनकी ज्योत के जलते ही सब विघ्न दूर हट जाते हैं। वक्र तुंड के जाप से विचलित मन को शांति मिलती है, सिद्धि विनायक रटिए तो विघ्नों से मुक्ति मिलती है। विघ्न वहां से फौरन कर देते हैं प्रस्थान, जो भी उनका ध्यान धरे उसका हो कल्याण। जो भी उनका ध्यान धरे उसका हो कल्याण। गिरजा माँ के प्यारे हैं एक दंती भगवान। गिरजा माँ के प्यारे हैं एक दंती भगवान। कथा सुनाते हैं गणपति की, कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं गणपति की, कथा सुनाते हैं। Thank you.
जय जय गणपति बप्पा मोरिया। भक्तों, श्री गणेश भगवान कैसे दानी और दाता हैं कि यदि कोई उनकी पूजा अर्चना करता है तो उसके बदले में मूषक उस पे किस प्रकार कृपा करते हैं, आइए सुनते हैं। कोढ़ी को काया मिलती है, आंखें पाते हैं अंधन, बांझों को ये पुत्र है देते, निर्धन को है देते धन। देवा के जैसा संसार में दाता नहीं कोई देखा, उसको मेवा मिलता है जो करता है उनकी सेवा। देवा के दरबार में सबको मन की मुरादें मिलती है, देवा की चौखट पे आशाओं की कलियां खिलती हैं। दानवीर है विश्व के राजा, इसमें नहीं है कोई शक, इसीलिए गुणगान है करते उनका सारे ही साधक। रिद्धि और सिद्धि के है दाता बड़े महान, जो भी उनका ध्यान धरे उसका हो कल्याण। गिरिजा माँ के प्यारे हैं एक दंती भगवान, गिरिजा माँ के प्यारे हैं एक दंती भगवान। कथा सुनाते हैं गणपति जी, कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं गणपति जी, कथा सुनाते हैं। भक्तों, प्रेम से बोलिए सिद्धि विनायक बुद्धि विधाता की जय। श्री गणेश कितने बुद्धिमान एवं चतुर हैं, ये सारा संसार जानता है। इसी बुद्धिमानी के कारण श्री मयूरेश्वर कार्तिके से पहले इनका विवाह हुआ। ओमानंदन की बुद्धिमानी का कोई हिसाब नहीं, उनकी चतुराई का भी दे सकता कोई जवाब नहीं। बुद्धि जो मांगे इनसे ये उसको बुद्धि देते हैं, और जो इनसे ख्याति मांगे उसको ख्याति देते हैं। सुख करता और दुख हरता है उमा के ये राजकुंवर, दया की दृष्टि रखते हैं ये सदा ही अपने भक्तों पर। माता पिता की आज्ञा का करते न कभी वो उल्लंघन, इसीलिए तो श्री गणेश है गुणवंता और बुद्धिमन। एक दंती ये भगवन है बड़े ही बुद्धिमान, जो भी उनका ध्यान धरे उसका हो कल्याण। जो भी उनका ध्यान धरे उसका हो कल्याण। गिरिजा माँ के प्यारे हैं एक दंती भगवान, गिरिजा माँ के प्यारे हैं एक दंती भगवान। कथा सुनाते हैं गणपति जी, कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं गणपति जी, कथा सुनाते हैं। भक्तों, श्री प्रथमेश्वर महाबल श्री गणपति बड़े योद्धा एवं शक्तिशाली हैं। आपने कई असुरों से युद्ध किया एवं उनका संहार किया, कैसे सुनते हैं। श्री गणेश भगवान ने कितने ही असुरों को मारा है, ऋषि मुनि और देव गणों के संकट को भी टारा है। बड़े ही शक्तिशाली है श्री गजकर्णन गणपत महाराज, पग पग पर रखते हैं अपने सेवादारी की बोलाज। कष्ट और संकट अपने भक्तों पर नहीं आने देते, विघ्नेश्वर विघ्नहर्ता सबके विघ्नों को है हर लेते। दसों दिशाओं में है उनका चर्चा, उनकी है ख्याति।
इसीलिए कर जोड़ के उनसे करते हैं सब ही विनती। तीनों लोक में उनका होता है आदर मान, जो भी उनका ध्यान धरे उसका हो कल्याण। गिरजा माँ के प्यारे हैं एक दंती भगवान, गिरजा माँ के प्यारे हैं एक दंती भगवान। कथा सुनाते हैं गणपति की, कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं गणपति की, कथा सुनाते हैं। भक्तों प्रेम से बोलिए सिद्धि विनायक बुद्धि विधाता की जय। श्री गणेश जी को क्या चीज भाती है, इस बात से कोई भी अज्ञान नहीं है। सभी जानते हैं कि भोग में वो केवल मोदक ही लेते हैं। क्यों लेते हैं सुनो। विधि विधान से पूजा अर्चना उनकी जब की जाती है, भक्तों की श्रद्धा और आस्था रंग यूं अपना दिखाती है। उनके मन की मनोकामनाएं होती हैं सब पूर्ण, झोलियां उनकी भर देते हैं क्षण भर में उमा के ललन। ज्योत जगा कर आरती करते हैं उनके सब सेवादार, तभी तो मिलता है उन सबको भूपति भुवनपति का प्यार। सादर उनके चरणों में फिर शीश नवाया जाता है, केवल मोदक का ही उनको भोग लगाया जाता है। मोदक प्रिय है देवा ये जाने सगर जहान, जो भी उनका ध्यान धरे उसका हो कल्याण। जो भी उनका ध्यान धरे उसका हो कल्याण। गिरजा माँ के प्यारे हैं एक दंती भगवान, गिरजा माँ के प्यारे हैं एक दंती भगवान। कथा सुनाते हैं गणपति की, कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं गणपति की, कथा सुनाते बोलिए गणपति बप्पा मोरिया। भक्तों एक समय की बात है, चंद्रमा जी ने श्री गणेश जी का लंबा उदर देख उनका मौखौल उड़ाया था। उनका परिणाम क्या हुआ आइए आगे सुनते हैं। लंबा उदर जो देखा उनका चंद्र ने खिल्ली उड़ाए थे, देख शशि की ये हरकत क्रोधित हो गए थे एक दंती। रुद्र प्रिय श्री तरुण का गुस्सा भक्तों जब के हद से बढ़ा, क्रोध में शाप दिया जो उसको चंद्र पे अंधियारा छाया। तीन लोक और दसों दिशाओं में फिर मच गया हाहाकार, मलिन हुआ जो चेहरा शशि का चारों तरफ छाया अंधकार। अपनी करनी पर वह भक्तों चंद्र बहुत ही पछताए, एक दंती का मखौल उड़ा कर संकट में चंद्रमा आए। महंगा पड़ा शशि को करना उनका ये अपमान, जो भी उनका ध्यान धरे उसका हो कल्याण। जो भी उनका ध्यान धरे उसका हो कल्याण। गिरजा माँ के प्यारे हैं एक दंती भगवान, गिरजा माँ के प्यारे हैं एक दंती भगवान। कथा सुनाते हैं गणपति की, कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं गणपति की, कथा सुनाते हैं। बो
बोलिए गणपति बप्पा मोरिया। उस भूमि उस धरती का क्या कहना जहां प्रभु गणेश की पूजा होती है। निसंदेह वो भूमि बड़ी ही पवित्र एवं पावन है। कैसे? जिस भूमि पर भी होता है श्री इकदंती का चर्चा, उस धरती पर लहरा नहीं सकता है विघ्नों का झंडा। देवा का गुणगान जहां हो ऐसी भूमि पावन है। कण कण उस भूमि का भक्तों सुंदर है मन भावन है। गर्व किया करती है अपने भाग्य पे सदा ही वो धरती, जहां उमा पुत्र गणाधीश है रंभ की है पूजा होती। नतमस्तक होकर उस भूमि को करना है हमें प्रणाम, जहां श्रद्धालु लेते हैं श्रद्धा से गणपति जी का नाम। पवित्र पावन होता है भक्तों वो स्थान, जो भी उनका ध्यान धरे उसका हो कल्याण। गिरजा माँ के प्यारे हैं इकदंती भगवान, गिरजा माँ के प्यारे हैं इकदंती भगवान। कथा सुनाते हैं गणपति की, कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं गणपति की, कथा सुनाते हैं। सुबह सुबह ले देवा का नाम, कर ले गणपति को तू प्रणाम। बिगड़ी बनेगी सारे का, कर ले गणपति को तू प्रणाम। ओ कर ले गणपति को तू प्रणाम। कष्ट और संकट तेरे मिटेंगे, राहों के सब विघ्न हटेंगे। देवा की कर तू सेवादारी, बात बनेगी बिगड़ी सारी। गणपति जी का सुमिरन कर ले, कर ले गणपति को तू प्रणाम। बिगड़ी बनेगी सारे का, बिगड़ी बनेगी सारे का। ओ कर ले गणपति को तू प्रणाम। हो कर ले गणपति को तू प्रणाम। सुख में होगा तेरा जीवन, कृपा करेंगे तुझ पे गजानन। गणपति जी है मोक्ष के दाता, सारे जगत के भाग्य विधाता। पाना है जो स्वर्ग का धाम, कर ले गणपति को तू प्रणाम।
बिगड़ी बनेगी सारे का, बिगड़ी बनेगी सारे का। कर ले गणपति को तू प्रणाम, ओ कर ले गणपति को तू प्रणाम। रिद्धि सिद्धि के तुम हो स्वामी, श्रद्धा से तू कर ले स्तुति, मन मंदिर में उनको बसा ले, गौरी पुत्र के गुण तू गा ले, मन को बना ले गणपति धाम। कर ले गणपति को तू प्रणाम, बिगड़ी बनेगी सारे का, कर ले गणपति को तू प्रणाम, हो कर ले गणपति को तू प्रणाम। की गाथा देवा की है कहानी, श्री गणपति की गाथा देवा की है कहानी, जो भी सुने ये गाथा कल्याण हो उसी का, कहते हैं जग के ज्ञानी, श्री गणपति की गाथा देवा की है कहानी, गणपति की है कहानी देवा की है कहानी, श्री गणपति की गाथा देवा की है कहानी। गणपति महाराज की जय हो। आइए भक्तों, गणपति बप्पा के जन्म की कथा सुनते हैं, श्रद्धा से सुनिएगा, आइए सुनते हैं। शक्ति से पार्वती ने एक गण किया था पैदा, करता था पहरेदारी माता की जो हमेशा, एक दिन जो भोले आए जहां के जाऊं भीतर, बालक ने उनको रोका, शिवजी को टोकने पर, भोले को रोकने पर गर्दन पड़ी कटाने, श्री गणपति की गाथा देवा की है कहानी, गणपति की है कहानी देवा की है कहानी, श्री गणपति की गाथा देवा की है कहानी। गणपति महाराज की जय हो। माँ पार्वती अपने पुत्र की हालत देखकर क्रोधित हो जाती हैं और क्या कहती हैं सुनिए। माँ पार्वती ने देखी जो पुत्र की ये हालत, विचलित हुआ मन उनका, तो वो उठी हो क्रोधित, सृष्टि विनाश करने का माँ ने सोचा मन में, आया प्रलय को
कुछ ऐसा फिर भक्त त्रिभुवन में देवता सारे थर्राए कांपे ऋषि मुनि जन भी विचलित हुए सब प्राणी श्री गणपति की गाथा देवा की है कहानी गणपति की है कहानी देवा की है कहानी श्री गणपति की गाथा देवा की है कहानी बाद ब्रह्मा जी के संग सारे देवगण शिव जी के पास आए और कहने लगे माँ गौरा के क्रोध को किस तरह से शांत किया जाए ब्रह्मा जी के संग देवगण शिव जी के पास आए विपदा सुना के सारे सब शीश थे झुकाए शिव बोले जाओ जाकर गौरा को सब मनाओ मांगो क्षमा तुम उनसे और शांत देवगण ने माँ गौरा से क्षमा मांगी अनुनय विनय किया उसके बाद देखिए क्या होता है आइए सुनते हैं भक्तों कर जोड़ देवगण ने माता से क्षमा मांगी करुणामयी अम्बे ने उनको क्षमा तो दे दी पर तीन शर्तें रखी देवा से फिर शिवा ने जीवित हो पुत्र मेरा उसकी प्रथम हो पूजा शिव माने उसको बेटा कहने लगी शिवानी श्री गणपति की गाथा देवा की है कहानी गणपति की है कहानी देवा की है कहानी श्री गणपति की गाथा देवा कहने लगे कि जाओ उत्तर दिशा में और जो भी पहला प्राणी दिखे उसका सर लेकर आओ आइए पहले दिखे जो प्राणी सर उसका लेके आओ उत्तर दिशा में हथिनी वो सोते उसने देखा हथिनी के साथ सोया था उसका छोटा बच्चा बच्चे के सिर को काटा और लेकर आए देवता खुश हो गए शिवदानी खुश हो गई शिवानी देवा की है कहानी श्री गणपति की गाथा देवा की है कहानी गणपति की है कहानी देवा की है कहानी श्री गणपति की गाथा देवा की है कहानी गौरा लल्लन के तन पर जब गज का शीश रखा गया तब क्या हुआ यह देखते हैं आइए भक्तों गौरा लल्ला के तन पर जब गज का शीश रखा शिव मंत्रों की शक्ति से तब प्राण उसमें आया शिव ने गणेश कहकर उसका किया नामांकन भोले के गणाध्यक्ष है मेरा ललन गजानन सुन लो ये सच है ये मेरी वाणी ऋषियों की ये जुबानी श्री गणपति की गाथा देवा की है कहानी गणपति की है कहानी देवा की है कहानी श्री गणपति की गाथा देवा की
गणपति बप्पा मोरया। आइए, क्यों गणपति का नाम प्रथम होता है सुनते हैं, श्रद्धा पूर्वक सुनिए। है जानता ये त्रिभुवन, है आदि देव गजानन, भगवान गणपति का होता प्रथम है पूजन। मंगल हो काज कोई, पूजा हो पहले इनकी, फिर बाद में उसके सारे स्तुति हो देवों की। पहले हो इनका पूजन, फिर औरों का आवाहन, यह रीति है पुरानी। श्री गणपति की गाथा देवा की है कहानी, गणपति की है कहानी देवा की है कहानी। श्री गणपति की गाथा देवा की है कहानी। माँ गौरा का ये प्यारा लल्ला बड़ा कृपालु है, बड़ा दयालु है, तो आइए सुनते हैं आगे क्या होता है। शिव पार्वती का लल्ला ये बड़ा है कृपालु, करता दया है सब पर, ये है बड़ा दयालु। ये लंबे अदर वाला है, लड्डू का प्रेमी, लेता है भोग में ये मोदक से भरी थाली। जो भोग इसे लगाए मोदक ही लेके आए, सुन ले हर एक प्राणी। श्री गणपति की गाथा देवा की है कहानी, गणपति की है कहानी देवा की है कहानी। श्री गणपति की गाथा देवा की है कहानी। गणपति बप्पा बड़े खूबसूरत, बड़े अच्छे लगते हैं, जब सिंगार, माथे पर मुकुट और गर्दन में रत्नों की माला हो। माथे मुकुट है इसके, गर्दन में रखना माला, सुमुख है ये गजानन, लगता है भोला भाला। लंबा उदर है इसका, अरे कान भी बड़े हैं, एक दंती है चतुर्भुज, ये सब ही जानते हैं। कितनी है प्यारी प्यारी, देखो तो छवि इसकी, लगती है क्या सुहानी। श्री गणपति की गाथा देवा की है कहानी, गणपति की है कहानी देवा की है कहानी। श्री गणपति की गाथा देवा की है कहानी। एक बार गणपति जी ने अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए ये साबित कर दिया, वो बुद्धि के भी देवता हैं। तो आइए। कार्तिके बोले पहले मैं ब्याह रचाऊंगा, देवा ने कहा पहले मैं फेरे लगाऊंगा। शिव बोले सबसे पहले करनी हो जिसको शादी, करके परिक्रमा वो घूमाए सारी पृथ्वी। कार्तिके मोर ले आकर हो गए सवार उस पर, उड़ने की दिल में ठानी। श्री गणपति की गाथा देवा की है कहानी, गणपति की है कहानी देवा की है कहानी। श्री गणपति की गाथा देवा की है कहानी। गणपति महाराज ने बड़ी ही चालाकी से पृथ्वी के चक्कर लगाए बिना शिव और पार्वती के चक्कर लगा लिए, और इस तरह वो जीत गए। कार्तिके और चले जब कुछ दूर जाके पहुँचे, श्री गणपति भी अपने उठ गए स्थान से। जब माता पिता को आदर से आपने बिठाया, प्रणाम करके उनको चक्कर भी एक लगाया। कर ले उसे
एक बार गणपति जी बहुत नाराज हो गए, चंद्र जी के उस कटाक्ष से क्रोधित हो गए। और देखिए उसके बाद क्या होता है। लंबोदर जो देखा तो चंद्र हंस के बोला, क्या खूब तोंद पाई है तुमने ए गणेश। सुनकर ये बात उसकी, क्रोधित हुए गजानन, फिर दे दिया शशि को देवा ने शाप फौरन। शाप ऐसा रंग लाया, हो गई मलिन वो काया, रंगत पड़ी गवानी। श्री गणपति की गाथा देवा की है कहानी, गणपति की है कहानी, देवा की है कहानी। श्री गणपति की गाथा देवा की है कहानी। गणपति बप्पा बहुत ही दयालु हैं। कहते हैं उनके द्वार पर जाने वाला हर भक्त कुछ ना कुछ पाकर ही आता है। आइए। आते हैं मांगने जो श्री गणपति के द्वारे, कर देते हैं गजानन उन सब के वारे न्यारे। दर से कोई भी उनके जाता नहीं है खाली, मन की मुराद लेकर आता है हर सवाली। सिद्धि के दाता करते हैं सब पे कृपा, देवा बड़े हैं दानी। श्री गणपति की गाथा देवा की है कहानी, गणपति की है कहानी, देवा की है कहानी। श्री गणपति की गाथा देवा की है कहानी। कहते हैं कि गणपति बप्पा की जो मन से भाव से सेवा करते हैं, कहते हैं उसके हर कष्ट गणपति बप्पा दूर कर देते हैं। दिन रात गणपति की करते हैं जो भी सेवा, खाते हैं वो हमेशा मिष्ठान और मेवा। सब मंगल कार्य उनके करते हैं देवा पूरन, सुख में गुजारते हैं जीवन। आते न उन पे संकट, दूर करते कष्ट गणपत, होती न उनको हानि। श्री गणपति की गाथा देवा की है कहानी, गणपति की है कहानी, देवा की है कहानी। श्री गणपति की गाथा देवा की है कहानी। गणपति महाराज की जय। और आइए सभी भक्त गणपति जी के चरणों में नतमस्तक होकर प्रार्थना करें। हे उमा पुत्र देवा, करते रहेंगे हम सब आजीवन तेरी पूजा, वरदान ऐसा देना हमको ए गजानंदन। इच्छाएं सब हमारी हो जाए देवा पूर्ण, हरदम दया की दृष्टि हम पर हो गणपति जी, करना ये मेहरबानी तुम दया अपनी रख कर। श्री गणपति की गाथा देवा की है कहानी, गणपति की है कहानी, देवा की है कहानी। गणपति की है कहानी, देवा की है कहानी। श्री गणपति की गाथा देवा की है कहानी। कान्हा धीरे धीरे नाच तेरे लग जाएगी, धीरे धीरे नाच तेरे लग जाएगी। कान्हा धीरे धीरे नाच तेरे लग जाएगी, कान्हा धीरे धीरे नाच तेरे लग जाएगी। कान्हा धीरे धीरे नाच तेरे लग जाएगी, कान्हा धीरे धीरे नाच तेरे लग जाएगी। किसी गुजरी की नजर तो है लग जाएगी, किसी
दूजली की नजर तो ही लग जाएगी। मटकी फूट जाएगी, छीके ऊपर ये तो लग के मटकी फूट जाएगी। कान्हा धीरे धीरे नाच तेरे लग जाएगी, कान्हा धीरे धीरे नाच तेरे लग जाएगी। तंग करे तेरा शाम कैसे जाओ पन घट, तंग करे तेरा शाम कैसे जाओ पन घट। कान्हा छोड़ दे कलाई चूड़ी टूट जाएगी, कान्हा छोड़ दे कलाई चूड़ी टूट जाएगी। कान्हा धीरे धीरे नाच तेरे लग जाएगी, कान्हा धीरे धीरे नाच तेरे लग जाएगी। नजर तो है लग जाएगी, धीरे धीरे नाच तेरे लग जाएगी।